हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे, वो टॉपिक है यौवन और सुंदरता के बारे पे, जवानी और सुंदरता के बारे पे। बेसिक हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये एक टॉपिक मैं एक बुक से लिया हूँ और उस बुक के ऑथर है स्वेट मार्डन। तो पहले मैं आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। देखिए, किसी भी इंसान के लाइफ पे तीन चीज़ें ज़रूर आती है, बचपन रहता है, जवानी रहती है और वृद्धावस्था रहता है। बचपन के दिन तो उसके पेरेंट्स के साथ कट जाते हैं जैसे भी हो। जवानी के दिन क्या होता है कि उसका टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है, कैसे उसका फटाफट टाइम निकलते जाता है वो पता ही नहीं चलता है। इस टॉपिक पे जैसे जवानी को बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको और बहुत सारी बातें क्लियर होगी। अब बात आती है वृद्धावस्था पे। वृद्धावस्था पे क्या होता है, जब बुढ़ापा आता है इंसान के शरीर पे, ज़्यादातर केसों पे हाथ पर उसके काम नहीं करते और उतना एनर्जी उसके पे नहीं रहता। देखिए, बुढ़ापे में अगर उसके जो बच्चे हैं और उसकी जो लाइफ पार्टनर रहते हैं उन लोग उसके साथ में है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बूढ़े व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो प्रॉब्लम उनको बहुत हो जाती है जब उसका शरीर साथ नहीं देता। तो चलते गए इस आगे इस टॉपिक की ओर, ठीक है। यौवन और सुंदरता के बारे पे देखते हैं ऑथर क्या बोलते हैं। पहले तो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए यौवन और सुंदरता की। देखिए, यौवन मतलब क्या हो गया, जवानी मतलब आप कितने जवान रहते हैं उसके बारे पे हो गया, और सुंदरता मतलब क्या हो गया, आपकी मन की सुंदरता, कि आपका मन किस टाइप से सुंदर है और किस टाइप से वो बातों को ग्रहण करता है और दूसरों के बारे पे सोचता है उसके बारे पे है। फिर अब आती है कि आपकी जीने की इच्छा कितनी है, मतलब आप कितना अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। पहला व्यक्ति बोलेगा कि 50 से 60 साल तक की ज़िंदगी चाहिए मुझे, और दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि 90 से 100 साल तक के मुझे जीना है या फिर उससे भी ज़्यादा मुझे जीना है। 90 से 100 साल तक वाले बहुत कम रहते हैं बोलने वाले, ज़्यादातर बोलते हैं 50 60 70 साल तक की ज़िंदगी जीनी है, उससे ज़्यादा लाइफ नहीं जीनी है। उन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, उसका देखिए कुछ कारण रहता है। उन लोग बोलते हैं कि इतनी बीमारी फैल रही है लाइफ में, इतना टेंशन प्रेशर है, किस्मत ख़राब है, निगेटिविटी बोलते रहते हैं अक्सर। तो जब अभी इतनी हालत ख़राब है तो मैं इतना लंबा ज़िंदगी क्यों जीऊँगा, इस टाइप की बातें बोलते हैं। जो 90 से 100 साल के लोग अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं उन लोग क्या बोलेंगे उसके बारे पे भी यहाँ पर देख लेते हैं। उन लोग बोलेंगे कि लाइफ बहुत अच्छी है, लोगों की हेल्प करनी है, खुले दिल से लाइफ बिताना है, सकारात्मक बातें करते रहते हैं, उन लोग पॉजिटिविटी रहते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आप पहले वाले व्यक्ति हैं, पहले टाइप के व्यक्ति, या फिर सेकंड टाइप के व्यक्ति। अगर आप पहले टाइप के व्यक्ति हैं तो आप ये वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बना है वो सेकंड टाइप के लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है। और ऑथर यहीं पर सेकंड टाइप के लोगों के बारे पर ही बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, कि ऑथर हमको क्या सुझाव देते हैं उसके बारे पे हम लोग देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें ऑथर बताता है कि आप अपनी लाइफ को लंबा कैसे जी सकते हैं, और जब आपके लाइफ में लास्ट टाइम भी आएगा तो भी आप कैसे हैप्पी से लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं अपना, उसके बारे पे यहाँ पर बताते हैं। तो पहला पॉइंट पे ऑथर कहते हैं कि आप व्यस्त रहिए। व्यस्त रहने से क्या होगा उसके बारे पे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट पे बताते हैं कि अगर आपके पास खाली समय है तो खाली समय रहेगा तो आपका दिमाग इधर उधर जाएगा, आपको निराशा आएगी, शंका आएगा, मतलब सेल्फ डाउट होगी और डर भी लगेगा कि क्या होगा लाइफ पे, कैसा होगा, इस टाइप की बातें रहती है। लेकिन अब आप जब व्यस्त रहते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको सफलता मिलती है, आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, आप खुश रहते हैं और रात को नींद भी अच्छी आती है, ठीक है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप व्यस्त रहिए। अब बात आता है कि व्यस्त कैसे रह सकते हैं आप, ठीक, उसके बारे पर ऑथर कहते हैं कि आप क्या करिए, व्यायाम करिए, तैराकी करिए, कहीं घूमने जाइए, कुछ नए स्किल्स डेवलप करिए और कुछ नए आविष्कार करिए। नए आविष्कार करते रहेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी टाइप के रहेंगे और आपका मन व्यस्त रहेगा। दूसरे पॉइंट पे ऑथर बताते हैं कि गुस्से पर अपने काबू रखिए। जितना आप गुस्से पर काबू करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। इसको और हम लोग आगे डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं कि यार गुस्सा आता क्यों है। तो ऑथर यहाँ पर बताते हैं गुस्सा आता है उसका मुख्य कारण ये है कि स्वार्थ रहता है उसके बारे में। अब स्वार्थ क्या होता है ये देखिए, होता क्या है, कोई हमको कुछ कह देता है तो हमको बुरा लग जाता है, अरे वो हमको ऐसा कैसे कह सकता, इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे मुताबिक कुछ काम नहीं होता, मतलब जो हम चाह रहे थे वैसा काम नहीं होता, तो उसके कारण भी गुस्सा आता है। तो अब ये देखिए कि आपका गुस्सा किस कारण आता है। अब बताते हैं कि इस गुस्से को काबू कैसे करें। गुस्से को काबू करने के लिए ऑथर बताते हैं कि खुद से जितना होगा
खुद से जितना मतलब सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करिए, किसी से ज़्यादा आशाएँ मत रखिए। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी से आशाएँ रखने लगते हैं, मतलब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो हम लोग भी सोचते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करे। मतलब आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जब वो हमारे एक्सपेक्टेशन के खरा नहीं उतरता है तब हमको गुस्सा आने लगता है, अरे यार वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इस टाइप की बातें आने लगती है। तो ऑथर यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी से आशाएँ मत रखिए, जितना आशाएँ आप कम रखेंगे उतना ही आपको गुस्सा कम आएगा, तो गुस्से पर काबू रखिए। थर्ड पॉइंट पे ऑथर कहते हैं कि दयालुता की गुण लाइए, दया भावना अपनाइए। ये कैसे होगा, आप देखिए कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के मन को समझिए, सहानुभूति रखिए दूसरों के लिए, किसी की आलोचना मत करिए। आप किसी की आलोचना करते हैं तो आप अपने आप को भी नीचे गिराते हैं, ठीक। खुद को और लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखिए। देखिए होता क्या है, बहुत सारे हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनसे, और खुद से भी कुछ लाइफ में ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिसके लिए हम पछताते रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को और दूसरे को भी माफ़ करना सीखें, जितना आप माफ़ करेंगे उतना ही बर्डन आपका कम होते जाएगा। फोर्थ पॉइंट पर ऑथर कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप जितना मुस्कुरा सकते हैं मुस्कुराइए, हंसने की आदत डालिए। हंसने की आदत डालने से क्या होता है, आपके जो बॉडी के अंदर वाले पार्ट रहते हैं उनका व्यायाम होता है। कैसे व्यायाम होता है उसके बारे भी ऑथर बताते हैं कि हंसने का जन्म फेफड़ों से होता है। फेफड़ों से हो रहा है मतलब कि आपकी जो सांस जारी है उसका फ्लो अच्छा रहेगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो अच्छा हो जाता है, शारीरिक प्रक्रिया में गति और चमक आ जाती है, मतलब आप अंदर से खुश हो जाते हैं। तो आप जितना हंसेंगे जितना मुस्कुराएंगे वो आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो होप यू गाइस आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि कैसे अपनी लाइफ को लंबा बना सकते हैं और लास्ट टाइम तक आप अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। इसके कुछ और वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बुक की बात करूँ तो बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला। लाइक एंड शेयर करिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए इस टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे आपको नोटिफाई मिलते रहेगा। तो मिलता होगा इस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।